अस्सलाम वालेकुम, आज का खाना भी तारीफ दो। आज के खाने में हम बहुत जबरदस्त एक सब्जी बना रहे हैं, खट्टे बैंगन। ना तिल का रोला होगा, ना खोपरे का रोला होगा, ना मूंगफली का रोला होगा। आसान तरीन रेसिपी, इजी तरीन तरीका और रिजल्ट आएगा जबरदस्त। हम बनाएंगे खट्टे बैंगन, आए चल के बनाते हैं। आपसे रिक्वेस्ट करते हुए जाएंगे, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, बेल का आइकन प्रेस करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मेरे साथ चल के बनाइए खट्टे बैंगन। पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के, दरुशरी पढ़ के खट्टे बैंगन का प्रोसेस। खट्टे बैंगन के लिए पहले एक स्टफिंग बनाएंगे। यहाँ पे दो प्याज को मैंने बहुत बारीक चॉप कर लिया था। मैंने इससे पहले भी काफ़ी आपको बैंगन की रेसिपी या बताऊँ की रेसिपी बताई, मेरे मोस्ट फेवरेट हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे दो टमाटर को भी चॉप कर लिया था। अब यहाँ पे क्या करेंगे, चीज़ें शामिल करते चले जाएंगे। यहाँ इस वक्त 2 टीस्पून नमक लिया है, 1 टीस्पून पिसा गरम मसाला, 1 टेबल स्पून भर के धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून भर के कुटा धनिया, यहाँ पे 1 टेबल स्पून भर के पिसी लाल मिर्च, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून पिसा जीरा थोड़ा सा अकड़ गया है, यहाँ पे 1 टीस्पून भर के हल्दी, 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, और यहाँ पे चला जाएगा 1 बड़ा नींबू, यहाँ पे 4 टेबल स्पून दही। और क्या करेंगे, धुले हुए हाथों से पहले हम इस मसाले को अच्छी तरह से मस लेंगे, जैसे हम पीसते हैं। बस यही प्रोसेस यहाँ पे भी करना है कि आपने अच्छा प्याज का, टमाटर का पानी निकालना है, मसालों को, दही को टमाटर के साथ जो है वो अच्छी तरह से मिक्स करना है। मेरा ये काम हो गया। अब क्या करते हैं, हाथों को पहले क्लीन करके अब बैंगन की स्टफिंग शुरू करते हैं। मैं बैंगन को भी दिखाता हूँ कि मैंने बैंगन को किस तरह काटा है। पहले मैं जरा सा अपने हाथों को क्लीन। अच्छा, यहाँ बैंगनों को, लंबे बैंगनों को ले लिए। बैंगन का शेप मैटर नहीं करता, मगर मुझे अच्छा लगता है, लंबे बैंगन का अपना एक जायका है। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा यहाँ स्टफ करके, और जब आप इसको प्रेस करेंगे तो प्रेस करने से ये अच्छे स्टफ हो जाते हैं। बहुत छोटी क्वांटिटी में, क्योंकि असल तो मुझे इसकी ग्रेवी बनानी है। यहाँ मैंने इसको प्रेस कर दिया और इस तरह मैं सारे बैंगनों को स्टफ करके साइड पे रख लूंगा। यहाँ पे मैंने ग्रीन चिलीज भी रखी है, ये देखें, ये मेरे बैंगन इस तरह स्टफ हो जाएंगे। अच्छा, मिर्चों को भी थोड़ा थोड़ा सा स्टफिंग अंदर कर दें, ताकि मिर्चें भी बहुत शानदार हो जाएं। बड़ा अच्छा एक कॉम्बिनेशन हरी मिर्च का और बैंगनों का है। यहाँ बैंगनों की क्वांटिटी मैंने नहीं बताई, आप देख लें, ये तकरीबन जो है वो 1/2 किलो से थोड़े से ज़्यादा थे। आप देख लें कि मसाला ज़्यादा होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये हमारी मिर्चें भी भर गई और अब हमारा काम आ गया कि हम इसको अब तेल की नज़र करें। बैंगन रेडी हैं, इसको अब बनाना शुरू कर देते हैं। अच्छा, अब मैंने यहाँ पर 1/2 प्याली ऑयल ले लिया। 1/2 प्याली ऑयल में बैंगनों को मज़ीद खुशबूदार बनाने के लिए सबसे पहले हम इसमें कड़ी पत्ता शामिल करेंगे, और शामिल करेंगे यहाँ पे राय दाना और मेथी दाना है, ये 1/2 टीस्पून दोनों ले लिया। साथ में शामिल कर देंगे करारा सा ज़ीरा, और ज़ीरे को थोड़ा कड़कड़ाएंगे हमारे कड़ी पत्ता, और इसको भी कड़कड़ाएंगे ताकि एक बहुत अच्छा देसी सा बघार बन जाए, बघार की खुशबू आ जाए। और जो कितना मेहनत करनी पड़ती है, आपको पता है ना, बघारे बैंगन या हैदराबादी बैंगन बनाने के लिए, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बैंगन की जितनी भी रेसिपीज थी वो बहुत इजी टू मेक थी। बघार कड़कड़ा गया, ये हमारे बैंगन यहाँ आ गए। पहले फ्रीज से हम बैंगनों को फ्राई करेंगे। दोनों साइड से अच्छे नरम हो गए, मसाला भी नीचे जो बेस में है वो बेहतरीन होता जा रहा है। यहाँ पे शामिल कर देंगे हरी मिर्चें, जहाँ जहाँ जगह मिलती है हरी मिर्चों को हम प्लेस कर देंगे यहाँ पे। और यहाँ जो आपको नज़र आ रहा है कि अब इसको थोड़ा सा बस हमें घुमाना है, और घुमा घुमा के इसको थोड़ा सा मुझे इसके स्किन को फ्राई करना है।
एक साइड से नरम हो गए, हैंडल अल्लाह मियां ने बैंगन में वैसे ही दे दिए, हाथों से बैंगन को पकड़ के, थोड़े से गर्म है मगर चम्मच की मदद से भी करना, अगर मैं हाथों से करूंगा तो मेरा ख्याल आपके लिए नुकसानदेह होगा, आप भी एक राय मारोगे। हमारे हाथ तो वैसे ही जो है वो खाने पका पका के ऐसे हो गए कि अल्लाह माफ करे, हमें तो अब ये गर्मी सर्दी का एहसास ही नहीं होता। इन बैंगनों को टर्न कर लेंगे, स्टफिंग अंदर आपको नजर आ रही है, बैंगन चूंकि नरम हो गए हैं थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रहे हैं टर्न होने के लिए, एक साइड से और टर्न कर लेंगे। दोनों साइड से फ्राई करके अब क्या करेंगे, जो हमने मसाला स्टफिंग का बचाया है यहाँ इसको भी साइडों पे लगा देंगे ताकि ये मसाला भी साथ में ही फ्राई हो जाए और ये अपने पानी जो रिलीज करेगा मजीद हमारा मसाला, उससे बैंगन के अंदर करारापन भी आ जाएगा और मसाला भी भून जाएगा। मैं इनको अब मजीद नहीं छेड़ूंगा, थोड़े से लंबाई में ही रहने दें, बहुत ज्यादा गलाने से क्या होगा कि फिर वो शेप और एक प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू, जो हम कोई भी रेसिपी जब बनाते हैं तो ये जरूर सोचते हैं कि हमारा काम अच्छा हो, बस ये हमने कर दिया, अब हम क्या करेंगे इसको अभी फिलहाल एक लगाएंगे ढक्कन। पांच मिनट के लिए बेहतरीन दम दिए है, अभी भी थोड़ा सा बाकी है, मगर आप ये देखें कि ऑयल बाहर आ गया, मसाला करारा और बहुत ही ज्यादा जो है वो टेम्पटिंग, और जिसको कहें कि वो ऐसा करे कि मुंह में पानी आ जाए, आपकी जबड़ों से भी आवाजें आने लगें कि बस इसको खा लें। यहाँ देखें चिलीज भी हमारी नरम हो गई है, यहाँ पे इसको मजीद थोड़ा सा मुझे पकाना है, अगर टर्न करना चाहें तो टर्न भी कर सकते हैं मगर ऐसे कोई जरूरत नहीं है। बैंगन बहुत अच्छे गल गए हैं, मजे के गल गए, ये देखें मसाला इतना कोई बेहतरीन हो गया है, बैंगन जो है वो इस काबिल हो गए कि अभी अभी इसको फौरन निकाल के भी आप खा सकते हैं। मुझे इवन ये जो है फील आपको नहीं बता सकता, यहाँ पे देखें इमली का पल्प, एक टेबल स्पून जितनी इमली, और उसको मैंने भिगो दिया था, उसका सिर्फ पानी ले रहा हूँ और गूदा यहाँ पे निकाल कर छोड़ देंगे क्योंकि हमने लेमन ऑलरेडी यूज़ किया है। अब इस चूल्हे को पास करके मसाले को फ्राई कर लेंगे। मसाला बहुत अच्छा फ्राई हो गया, बैंगन बहुत अच्छे गल गए, खुशबुएं ऐसी कि बस कह दें कि भाई जल्दी से दे दें, ऐसी खुशबुएं हैं यहाँ पे। हरा धनिया और साथ में जो है वो हरे धनिया को भी मिला दें, जुला दें, इसकी मुलाकात करवा दें हमारे नीचे के बेस के मसाले को। और अगर अच्छा लग गया है तो आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, मेरे पुराने व्यूअर्स की तरह मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स करेंगे। आ जाए जबरदस्त से खट्टे बैंगन आपको प्रेजेंट करते हैं।